कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों की कैसी है लापरवाही, लोगों से करते हैं बदसलूकी और कैसे लोगों ने लगाई अपील, देखिए इस वीडियो को। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कलवा का छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल काफ़ी सालों से जो है विवादों में है। विवादों में इसलिए कि जो है तमाम मामला सामने आते रहते हैं। पहले मामला जो है डॉक्टर की लापरवाही का होता है, अब दूसरा मामला जो है सुरक्षा तैनात कर रहे कर्मियों का है। जहां पर जो गार्ड तैनात किए गए कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में, वहां पर लोगों को बात करने का लहजा नहीं है। बदतमीज़ी से पेशेंट के परिवार वालों से बातचीत करते हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी किए हैं इस मुद्दे पर, उन्होंने अपील भी करी है कि इस जो पूरे कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का मैनेजमेंट कर रहा है उन्हें खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ थाने के मेयर है नरेश मस्के, उनसे भी अपील करी है। और साथ ही साथ पालक मंत्री एकनाथ शिंदे हो और अलग अलग राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आडवा, ऐसे तमाम लोगों को जो है इस पर देखभाल करनी चाहिए। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा सवाल भी तमाम मरीज़ के परिवार वालों ने उठाया है कि विजिट टाइम नहीं है किसी भी पेशेंट को देखने का, तो ये एक टाइमिंग बनाया जाए। और इसके अगले भाग में हम दिखाएंगे कि कैसे सुरक्षा कर्मी जो है बदसलूकी करते हैं आम जनता के साथ, और कुछ लोगों की क्या इस पर आप बीती है वो देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद भाई, जैसे आज आप जो है विजिट करने अपने पेशेंट के पास जा रहे थे, तो यहाँ पर कहीं आपने विजिट का बोर्ड देखा कि इतने टाइम पे विजिट? कोई विजिट का बोर्ड नहीं है, बस खाली जो है आने वाले को जो है पीछे पास दिखाओ, अगर दो आदमी है एक जाए और एक आए, इस तरह से जो है कंडीशन हमको जो है पब्लिक को जो है टाइम वेस्ट किया जाता है। फैमिली से मिलने का कोई समय है दिया है? कोई समय नहीं है। कोई इनकी जो बस इन्हीं ने जो है अपने कानून बना के रखी है, पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है उसका इनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप सुरक्षा बल से अगर बात करते हो तो किस तरीके का रवैया रहता है उनका? इनका रवैया बस जो है फाइन मार देंगे, टाइम खोटी करेंगे, पास जमा कर लेंगे, दो घंटे के बाद आओ, तीन घंटे के बाद आओ, इस तरह से जो है ये जो है कहने में करते हैं। यानी कहीं ना कहीं डराया धमकाया जा रहा है, परेशान किया जाता है। हॉस्पिटल में आदमी तो परेशान आते ही है, उसके बावजूद भी ये लोग जो है इस तरह से जो प्रोसीजर खड़े कर देते हैं, आदमी और उलझ जाता है अपने कामों से। अच्छा, इसके अलावा जैसे पेशेंट को एडमिट करते हैं उसके बाद किस तरीके का उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, स्टाफ किस तरीके का रवैया? कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान वही देता है जो पेशेंट के साथ में एक आदमी होता है, वही सब जगह लेके जाता है, वही सब करता है। मतलब डॉक्टर लापरवाही करते हैं? डॉक्टर लापरवाही नहीं करता है, जो नीचे के लोग होते हैं ना वो लापरवाही करते हैं, कर्मचारी। हाँ, कर्मचारी लापरवाही करते हैं। और डॉक्टर जब तक कि आएगा वो लोग एकदम सही रहेंगे, डॉक्टर को लगे ऐसा मैं एकदम सही हूँ, डॉक्टर को लगे ये सही है हमारे कर्मचारी। अभी जैसे आपने कहा डॉक्टर पेशेंट के में एक आदमी रहता है, ठीक है, अगर उसको टेस्ट करवाना रहा बाहर और का पेशेंट को, पेशेंट की देखभाल कौन करेगा? वो आदमी तो जाएगा टेस्ट कराने। वही चीज़ है, वो चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है, उस चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये लोग दिक्कत नहीं समझते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादा अंसारी है। हाँ, तो क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है क्या, वो मेरी बहन एडमिट है यहाँ पे, वो बच्ची ICU में है, वो अंदर के मतलब मौसी लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि मतलब 10-10 मिनट में आके बच्चों को देखने। मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ है, उसको टाका लगा है, वो बार बार वहाँ से आने में उसका टाका ख़राब हो गया है, और वो जो अंदर मतलब मौसी लोग हैं वो लोग बोलते हैं 10-10 मिनट में बच्चों को आके देखने का, और तो उन लोग क्या है उसको, उन लोग की ड्यूटी नहीं है क्या, नाइट शिफ्ट में उन लोग रहते लापरवाही करते हैं, बस इतना मेरे को बोलने लगा और कुछ नहीं। मतलब पेशेंट के साथ लापरवाही? हाँ, मतलब कैसा है अंदर, मतलब कैसा वो मौसी लोग है ना, असल में पेशेंट को टाका लगा है, अब वो कैसा दूसरे वार्ड में उसको शिफ्ट किया, बच्चा तो NICU में है, तो बार बार पेशेंट वहाँ जाता है आने में तकलीफ होती है, और मौसी लोग बोलते हैं कहता बार बार 10-10 5 मिनट वाले बच्चों को आके देखने ऑक्सीजन लगा के, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या, ये कहने का मतलब बस। अच्छा, इधर के सुरक्षा जो गार्ड के लिए तैनात किए गए उनका रवैया कैसा है? बात नहीं, गार्ड करने का गार्ड का ठीक है, बाकी उनके बात करने का तमीज़ सही नहीं है। हाँ, पास ला रहे, ये क्या ला रहे, ये तरीका क्या बात करने का? हाँ, बदतमीजी। हाँ, बदतमीजी, मतलब तरीका नहीं उनको बात करने का, हिंदी बात का तरीका नहीं उनको, क्या रहे पास दिखा रहे, ये कोई तरीका है क्या बात करने का, बस ये। और कुछ उनके रवैये को सुधारा? हाँ, जाए, इसके रवैये को सुधारने के लिए मैं इन लोग से मतलब बोला हूँ, मैं भी वैसे उनको उनके तरीके से मैं बात किया हूँ बस। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।